हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज है मंगलवार और अभी है शाम का टाइम और अभी बनाने जा रही हूँ मैं डिनर। और डिनर में बनाऊँगी आज मैं मक्की की रोटी। तो ये देखिए, मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने गुनगुना पानी जो वो ले लिया है। और मक्की की रोटी बनाने के लिए ना पानी गुनगुना ही लेना चाहिए हमेशा, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। और बस ये थोड़ा थोड़ा करके आटा जो मैं इकट्ठा कर लूँगी पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा आटा लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको इकट्ठा कर लूँगी। और फिर अच्छे से हाथों से मसलना है इस आटे को, अच्छे से बिल्कुल मसल मसल के इसको नरम करना है और फिर इसकी बनानी है रोटी। तो बस ये देखिए, मैंने आटा जो इकट्ठा कर लिया है, अभी एक रोटी के जितना आटा मैं हाथ में ले लूँगी और उसको अच्छे से मसल लूँगी मैं पानी लगा के। जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से पानी लगा लगा के मैं इस आटे को अच्छे से मसल लूँगी। एक रोटी के जितना ही आटा लेना है हमें पहले, बस एक एक करके एक एक रोटी करके आटा लेके हमें मसलते जाना है और बस रोटी बनाते जाना है। तो बस ये देखिए, मैंने एक रोटी के जितना आटा ले लिया है और इसको अच्छे से मसल लूँगी। मक्की की रोटी बनाने के लिए आटे का ही होता है कि जितना अच्छा आटा बनेगा, जितना नरम आटा होगा उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। अगर आटा आपका अच्छे से नहीं बनेगा तो फिर रोटी भी नहीं बन पाएगी, फट जाती है रोटी। तो बस आटे को अच्छे से मसल लेना है, बिल्कुल नरम कर लेना है हमारे को हाथों से ऐसे ही मसल मसल के। जैसे देखिए, मैंने एक रोटी के जितना आटा लिया है और इसी को मसल रही हूँ अभी मैं। तो बस ये आटा जब तैयार हो जाएगा तो फिर बनाऊँगी मैं रोटी इसकी, जब बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो बस ये देखिए, मैंने ले लिया है पेड़ा और अभी बस इसका बना लूँगी पेड़ा और बस फिर बनाऊँगी रोटी मैं। अभी बस ये थोड़ा सा पानी लगाऊँगी इसमें मैं। ये देखिए, ये पिछली साइड पानी डाल के अभी बस इसको हाथों से फैलाऊंगी रोटी को अच्छे से। अगर आटा अच्छा बना हो आपका तो आराम से रोटी बन जाती है, चाहे आप जितनी पतली रोटी बना लो जितनी मोटी बना लो, बहुत ही आराम से रोटी जो है वो बन जाती है। और अगर आपका आटा ही अच्छा नहीं होगा तो रोटी नहीं बन पाएगी। और ज़्यादा गीला आटा भी नहीं करना है, नहीं तो फिर वो भी नहीं बन पाती है रोटी। तो पानी का भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि आटा जो बिल्कुल नरम होना चाहिए, तभी जो है वो रोटी अच्छे से बन पाती है। और ये देखिए, ये मेरी रोटी जो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो बस अभी मैंने तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको डाल दूँगी अभी मैं तवे पर। ये देखिए, ये रख दिया है मैंने तवा गर्म होने के लिए और तवा जो वो गर्म हो गया है। अभी मैं रोटी को डाल दूँगी तवे पर और ये देखिए, इस रोटी को इस तरीके से डाला जाता है। और बस अभी इसके साथ ही ये रोटी मेरी बनती रहेगी और अगली रोटी के लिए आटा मैं कर लूँगी तैयार। फिर वैसे ही थोड़ा सा आटा ले लूँगी और फिर उसको अच्छे से मसलूँगी, एक रोटी की जितना आटा ले लूँगी और उसको अच्छे से मसलूँगी। बस ऐसे ही सारी रोटियाँ मैं कर लूँगी तैयार। और वैसे तो मक्की की रोटी ना चूल्हे पर ही बनती है अच्छे से, पर अभी चूल्हा तो यूज़ नहीं करते हैं तो गैस पर ही बना सकते हैं। तो एक गैस पर ऐसे तवा रख के दूसरी गैस पर फिर रोटी को सेक लेंगे अच्छे से। चूल्हे में तो अच्छे से फूल जाती है पर गैस में फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है कि रोटी फूल नहीं पाती है। तो बस ऐसे ही फिर बना लूँगी। और साथ में बनाया है मैंने साग, क्योंकि मक्की के रोटी के साथ साग तो होना मतलब होना ही चाहिए। तो बस साग और उसके साथ बनाया है मैंने दही का खोरू, हम खोरू बोलते हैं, कई लोग कड़ू भी बोलते हैं, पलदू भी बोलते हैं। तो साथ में वो भी बनाऊँगी अभी मैं। साग तो बन गया है, साग बन गया है, भिंडी की सब्ज़ी बन गई है और जो दही का खोर हुआ वो भी मैं बनाऊंगी। तो बस ऐसे ही फिर मैं सारी रोटियां जो वो कर लूंगी तैयार। और सर्दियों में मक्की की रोटी हमारे हिमाचल में खूब खाई जाती है और खूब पसंद की जाती है। तो ये देखिए, एक रोटी, ये रोटी जो मेरी वो एक साइड से पक गई है तो दूसरी साइड से भी पकने दूँगी और फिर दूसरी गैस पर इसको मैं दूसरा चूल्हा ऑन करके इसको मैं वहाँ पर सेक लूँगी। मक्की की रोटी बनाते टाइम ना बस आटे का ही होता है, जितना अच्छा आपका आटा बनेगा उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। अगर आटा अच्छा नहीं बनेगा तो रोटी नहीं बन पाएगी। तो बस इसमें मेन आटे का ही होता है, तो बस वो ही ध्यान रखना है आपने कि आटे में ना पानी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आटा जो वो अच्छे से नरम बनना चाहिए। तो बस ये देखिए, इसके साथ ही मैं दूसरी रोटी भी बना लूँगी अपनी और ये रोटी तब तक दूसरी साइड से पक गई है और इसको मैं फिर रख दूंगी दूसरी चूल्हे पर पकने के लिए, सेकने के लिए रख दूंगी मैं इसको। सर्दियों में मक्की की रोटी, साग और जो खोर होता है दही का या लस्सी का, ये खूब पसंद किया जाता है हमारे हिमाचल में और खूब खाया जाता है हर घर में। रोज़ ना बने तो तीसरे चौथे दिन तो मक्की की रोटी ज़रूर बनाई जाती है। तो बस फिर ये देखिए, बना लूँगी ऐसे ही मैं सारी रोटी।
इसके साथ ही देखिए यहाँ पर बन गया है मेरा साग और साथ में बनाई है मैंने भिंडी की सब्ज़ी। तो बस इसके साथ बाद बनाऊंगी अभी मैं दही को तड़का लगाऊंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं खोरू, कड़ू या पद्दू कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि मक्की की रोटी के साथ साग और कड़ू वो खोरू हो तो भी मज़ा आता है। खोरू किसी चीज़ का बना सकते हो आप, लस्सी का भी या दही का बना सकते हो। दही में तड़का लगा लो या लस्सी का सेक लो, तो वही मैं दही का बनाऊँगी, दही में तड़का लगाऊँगी। तो बस ये देखिए भिंडी भी तैयार है और यहाँ पर मैंने ये मिट्टी का ये छोटा सा बर्तन है कटोरा जैसा, इसी में बनाऊंगी मैं खोरू। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा एक चम्मच के करीब तेल डाला, ज़्यादा तेल नहीं डाला जाता है खोरू में, एक चम्मच से भी कम ही डाला है मैंने। और साथ में डाल दी मैंने सूखी लाल मिर्च और डाल दी है मैंने जीरा। तो बस ये पकने दूंगी, कम आँच पर रखा है मैंने गैस को, ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं रखूँगी और धीरे धीरे इसको पकने दूँगी। और ये देखिए तेल जो वो गर्म हो गया है और भी डाल दी मैंने इसमें हल्दी, हल्दी अच्छे से पक जाएगी तो फिर मैं गैस की बंद कर दूंगी गैस को। ये देखिए हल्दी डाल के, जब हल्दी मेरी पक जाएगी तो गैस बंद करके फिर मैं दही डालूंगी इसमें। ये देखिए अभी हल्दी भी पक गई है, तेल मेरा पक गया है। तो बस अभी मैंने गैस कर दी बंद और अभी डाल दूंगी इसमें मैं दही। और बस फिर तैयार हो गया हमारा ये खोरू भी। तो अभी आप इसमें बूंदी या जो फ्लोरियाँ होती हैं वो डाल सकते हो इसमें, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो ऐसे सिंपल भी खा सकते हो मक्की की रोटी के साथ, सिंपल भी अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए इसके साथ ही हमारा डिनर जो है वो तैयार हो गया। इसमें अभी मैं मिर्ची डाल दूंगी, मसाला और नमक डाल दूंगी इसमें मैं अभी। तो बस जी फिर ये हो गया हमारा डिनर तैयार। और सर्दियों में हमारे हिमाचल की ये स्पेशल मतलब डिश होती है मक्की की रोटी, साग और खोरू, दही का खोरू। तो बस यही मतलब देखिए बन गया खोरू मेरा, तैयार हो गया है। तो बस आ जाइए आप लोग भी, ये देखिए हमारा डिनर। तो हमारे हिमाचल में सर्दियों में खूब ये चीज़ पसंद की जाती है और खूब खाई जाती है, मक्की की रोटी डेली बनाई जाती है कई घरों में, कई लोग पसंद करते हैं। और साग और ये खोरू और ये है भिंडी की सब्ज़ी। तो बस ये देखिए आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, कर लीजिए डिनर, मक्की की रोटी और साग और खोरू का मज़ा लीजिए हमारे साथ। तो चलिए फिर, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।